सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि कल के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे, यहाँ से आगे बैंक निफ्टी निफ्टी का नेक्स्ट मोमेंटम क्या रहेगा, अभी कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज आई है जिसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, डाउ जोन्स क्या कह रहा है, यूएस मार्केट क्या कह रहा है, सबके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगी इस चैनल के ऊपर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियोस मिलते जाते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। और अगर आपने अभी तक मुझे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है, वहां पर भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि लाइव मार्केट में सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती है और वहां पर एक आपको रेगुलर फ्री एजुकेशनल ट्रेड भी मिलता है जिसका फायदा आपको बढ़िया होगा। तो इसके लिए आपको वहां पर ज्वाइन करना होगा और उसके लिए आपको कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आज के लिए स्पेशल ऑफर चालू है जो कि सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक ही वैलिड रहेगी। तो जल्दी से जल्दी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आप डेली एक फिक्स इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो जरूर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सो सारी डिटेल्स आपको मैंने बता दी है, अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। सो अभी देखिए मेरे सामने निफ्टी 50 का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है 22,529 के पास और निफ्टी ने यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल तो फॉर्म की है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि निफ्टी ने फिर से एक बार 22,600 के जोन से हमें गिरावट जो है वो दिखाई है और अपसाइड के लिए एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर फॉर्म की है और यहाँ पर 22,529 की क्लोजिंग हमें आज के सेशन में मिल चुकी है। अभी यहाँ से आगे निफ्टी का ट्रेंड क्या हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी कि निफ्टी यहाँ से बुलिश ही रहेगा, हमें यहाँ पर लोअर लेवल्स पे अगर कुछ बाइंग करने मिलती है तो हमें एक बाइंग के लिए जाना चाहिए, यहाँ से हमें अपसाइड के लिए 22,500 और 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी अगर देखें तो निफ्टी 50 ने 22,600 का लेवल भी अचीव कर लिया है। अभी यहाँ पर देखिए 21,800 से यहाँ से रिकवरी होकर 22,600 यहाँ तक ये रिकवरी हमें जाती हुई दिखाई दी है और आज के इस सेशन में डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर फॉर्म की है विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ बायर्स एट द लोअर लेवल्स। सो यहाँ से 22,600 ये अगर निफ्टी इंडेक्स ने ब्रिज किया देन वी कैन एक्सपेक्ट रीटेस्ट ऑफ इट्स प्रीवियस हाई ऑफ 22,790 और डाउनसाइड के लिए 22,400 एक सपोर्ट का काम करेगा और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर है, तब तक के लिए हम लोग 22,800 तक के फिर से लेवल्स निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। फिलहाल देखिए जैसे मैंने आपको कहा है जून 4 तक ये सब चलता रहेगा, उसके बाद में ही हमें जो भी है ऑल टाइम हाई हो गया या फिर डाउनसाइड के लिए मोमेंटम हो गया ये हमें 4 जून के बाद ही देखने को मिलेगा, जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद में ही मार्केट अपना नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो हमें दिखा सकता है। तब तक के लिए हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर मार्केट के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं सोच सकते, भले कितने भी लोग कहे कि 4 जून के बाद मार्केट जो है वो तेज़ी पकड़ने वाला है, ऑल टाइम हाइस करने वाला है, लेकिन अभी सेफ ट्रेडर्स जो है वो लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, इंट्राडे का ही यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है और जो रिस्की प्लेयर्स है वो चाहे तो यहाँ से लोअर लेवल से बाइंग कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर भी या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी और एक्सपायरी आप आगे की चूज कर सकते हैं और फिर लॉन्ग के टारगेट्स के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो निफ्टी यहाँ से जब तक इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है निफ्टी पॉजिटिव है और थोड़ा बहुत गिरावट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है जैसे कि आज के सेशन में हमें देखने को मिला। निफ्टी ने 470-450 से यहाँ से हमें जो है वो गिरावट दिखाई थी, एक फॉल दिखाया था
और इस फॉल के अंदर पुट साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। लेकिन जैसे ही लोअर लेवल्स पे गए, कैंडल यही प्रेजेंट करती है, यही एक्सप्रेस करती है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ है। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल से हमें बायर्स आते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कहा था 22,250 और 200 डाउनसाइड के लिए इंटैक्ट है। अगर यहाँ तक भी तेजी गिरावट होती है 300 या फिर 400 250 तो हमें एक बाइंग लेवल्स के लिए जाना चाहिए और लोअर लेवल से बाइंग करके हम अपसाइड के लिए 22,500 हो गया या फिर 600 हो गया यहाँ पर अपना टारगेट हमको बुक करना है। क्योंकि कुछ समय के लिए निफ्टी यही इसी रेंज में 22,600 से 22,200 इन 400 पॉइंट्स की रेंज में रह सकता है। अभी इस वीक की भी अगर बात करें तो इस वीक के लिए भी निफ्टी का यही रेंज रहेगा। 600 के ऊपर अगर गया तो 800 का लेवल रीटेस्ट होगा, लेकिन अगर 600 के ऊपर जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस हुआ तो फिर से लोअर लेवल्स पे ही आएगा और वही लोअर लेवल से बाइंग करके हमें फिर से 500 और 600 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यही प्रोसीजर जून 4 तक हमें अप्लाई करनी है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट से बाइंग ढूंढनी है और उस सपोर्ट से बाइंग करके रेजिस्टेंस जो पहला होगा उस रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन फॉर्म की हुई है। अभी अगर देखें तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है निफ्टी, तब तक के लिए निफ्टी का हम लोग अपसाइड के लिए ही ट्रेंड जारी देखेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के निफ्टी नीचे के साइड में कैंडल फॉर्म करता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के थोड़ा बहुत भी नीचे जाता है तो यहाँ से निफ्टी 22,200 और 22,000 का लेवल फिर से रीटेस्ट कर सकता है। अभी निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन डेटा भी अगर देखें तो 23 मई का ऑप्शन चेन डेटा है। सबसे ज़्यादा 3,21,000 का ओपन इंटरेस्ट है 23,000 के ऊपर, और सबसे ज़्यादा राइटिंग भी इसी लेवल के ऊपर है। 23,000 के ऊपर काफ़ी समय से हमें हलचल देखने को मिली है। अभी नियरेस्ट बात करें तो 200,000 का ओपन इंटरेस्ट 500 के ऊपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कॉल साइड में यहाँ पर हमें हैवी राइटिंग देखने को मिली है इन लेवल्स के ऊपर, 600 के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हैवी राइटिंग देखने को मिली है। अगर एक अच्छी बाइंग आती है तो ही हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, अदरवाइज जब भी निफ्टी 22,600-650 के पास आएगा एक गिरावट ज़रूर होगी ही होगी। पुट साइड में दो लेवल्स है यहाँ पर देखें, 2,34,000-2,40,000 का ओपन इंटरेस्ट 400 और 500 के ऊपर है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 86,000 की हमें दिखाई दे रही है 500 के ऊपर। तो फिलहाल 400 और 500 निफ्टी 50 के लिए एक सपोर्ट इंटैक्ट है, और इस सपोर्ट से अगर निफ्टी नीचे जाता है तो जैसे मैंने आपको कहा है जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई थी 22,200 और उससे भी नीचे 22,000 का लेवल फिर रीटेस्ट होने के चांसेस निफ्टी के अंदर बने हुए हैं। तो निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर से दो दिन की जो रेंज है निफ्टी 50 की वो 22,400 से 600 के ऊपर दिख रही है, और इसी बीच में निफ्टी की एक्सपायरी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। जो फ्रेश एक्सपायरी होगी उसी एक्सपायरी के अंदर हम लोग निफ्टी को 600 के ऊपर या फिर 800 तक भी जाते हुए देखेंगे। 23,000 की बात तभी करेंगे जब जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, तभी मार्केट एक मोमेंटम अपसाइड के लिए पकड़ सकता है। लेकिन तब तक के लिए कुछ समय के लिए 400 पॉइंट्स के रेंज में ही निफ्टी 50 रहता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ से वो रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए 22,480 का। अगर निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल से ऊपर ही रहता है, जैसे कि अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो 530 के ऊपर है, लेकिन अगर इंट्राडे में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को तोड़ के इस लेवल से नीचे 15 मिनट से ज़्यादा टिकता है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे यानी कि 400 के भी नीचे जाने के चांसेस निफ्टी के बने हुए हैं। फिर डाउन साइड के लिए 350 का टारगेट निफ्टी के लिए सेट रहेगा। और अगर निफ्टी ओपनिंग के बाद
थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह के 550-500 के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट्स की रेंज में ही ट्रेडिंग होगी और इस रेंज में ऑप्शन बायर्स का कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो 500 से 550 की जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी 50 के लिए। अगर निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 550 से ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा सस्टेन कर लेता है, 15 या फिर 20 मिनट से ज़्यादा सस्टेन कर लेता है इसके ऊपर, तो यहाँ से निफ्टी हमें अपसाइड की तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। कहाँ तक? 22,650 के लेवल तक। ये लेवल तक निफ्टी हमें फिर जो है वो रैली दिखा सकता है। फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 22,650 के पास है। ये जो बीच का लेवल है, ये बीच के लेवल में निफ्टी कंसोलिडेशन कर सकता है, तो इस रेंज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा या फिर इसके नीचे या तो इसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करने दीजिएगा, तभी एक प्रॉपर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। 480 के बिलो निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल 420 तक हमें लेवल दिखाएगा। यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, यहाँ से अगर बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, तो निफ्टी ऊपर की रैली पकड़ेगा, अदरवाइज निफ्टी हमें अपने नेक्स्ट सपोर्ट 350 के तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी 50 के लिए। जो भी ट्रेड आप लोगे इस लेवल के ऊपर अगर आप लेते हो तो आपका ज़रूर प्रॉफिट ही होगा। और अगर आपको 480 ब्रेक होने के बाद कौन सा ट्रेड बाय करना है ये नहीं पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर है कि ऑप्शन कौन सा बाय करना चाहिए जिसमें वोलेटिलिटी भी रहेगी और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी रहेगा। तो देखिए, अगर 22,480 के बिलो मार्केट जा चुका है, 15-20 मिनट से ज़्यादा रुक भी रहा है, तो आप यहाँ पर 22,500 पी ले सकते हैं। इस पी के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। सेम अगर सी साइड में आपको जाना है तो 22,550 के ऊपर मार्केट पहुंच चुका है, तो आप यहां पर 22,400 सी या फिर 500 सी बाय कर सकते हैं। इस सी के अंदर आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी और अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़िया होगा ही होगा। तो आई होप कि आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मैंने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दिया है जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने भी यहाँ से हमें 48,200 से सेकेंड टाइम एक डाउन साइड के लिए रैली दिखाई है। आप देख सकते हैं 48,200 से आज भी निफ्टी बैंक जो है वो हमें 48,000 के तरफ आकर बंद होता हुआ दिखाई दिया। मॉर्निंग की अगर बात करें तो मॉर्निंग में एक वीकनेस देखने को मिली निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर और 47,945.50 तक निफ्टी बैंक जो है वो हमें गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में फिर से रिकवरी करके निफ्टी बैंक 48,200 तक गया और 48,200 को टच करके फिर से डाउनसाइड के लिए शिफ्ट हो गया और अभी फिलहाल 48,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो कैसे तैसे निफ्टी बैंक ने मैनेज कर लिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए निफ्टी बैंक ने हमें यहाँ से जो गिरावट दिखाई थी 49,999.80 से, ये सीधा कहाँ तक दिखाई है? 46,990 तक, यानी कि 47,000 तक। तो 47,000 तक गिरावट दिखाने के बाद जाके निफ्टी बैंक ने 1,000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है। इतना बड़ा फॉल करने के बाद 1,000 पॉइंट्स रिकवर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक 48,200 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ी बुलिश कैंडल कहाँ तक? 48,700 और 800 तक निफ्टी बैंक फॉर्म करने के चांसेस बना हुआ है। अगर निफ्टी बैंक आज के कैंडल के नीचे जाता है तो यहाँ से फॉल होगा, अदरवाइज फॉल की एक्सपेक्टेशंस कल के एक्सपायरी के अंदर निफ्टी बैंक के
हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्लियरली निफ्टी बैंक के लिए कल के सेशन के लिए जो पी साइड के जाने वाला लेवल है या फिर कह सकते हैं सेलिंग साइड का लेवल है वो ये लेवल है 47,950। अगर निफ्टी बैंक 47,950 से नीचे गया 15-20 मिनट से ज्यादा अगर रुका तो यहाँ से निफ्टी बैंक 47,600 और 500 तक गिरने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। लेकिन अगर निफ्टी बैंक 48,000 या फिर 48,100 के ऊपर ही सस्टेन रहा ओपनिंग के बाद आधे घंटे के लिए तो यहाँ से निफ्टी बैंक कल के सेशन में 48,200 को आसानी से ब्रेक करेगा। और इतना ही नहीं 48,200 ब्रेक करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली सीधा बैंक निफ्टी को 48,500 और 600 के तरफ लेके जाएगी। तो कल के सेशन के लिए पुट साइड में तभी जाना जब 47,950 से नीचे मार्केट टिक रहा है तभी, अदरवाइज पुट साइड में जाने की गलती नहीं करनी है। कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग रैली के चांसेस निफ्टी बैंक के बने हुए हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, उन लेवल्स के ऊपर ही आपको ट्रेडिंग करनी है। इधर उधर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे 48,50 के पास है तो ये सोच के अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो कुछ लोग पुट साइड में गए, 47,950 तक मार्केट गिरा फिर से एक रिवर्सल रैली आ गई, तो ऐसा नहीं करना है। 47,950 से नीचे 15-20 मिनट से ज़्यादा रुका मार्केट तभी पुट साइड में एंटर करना है, अदरवाइज कल पुट बायर्स का जो नुकसान है वो लाखों का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डाउ जोन्स भी आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स भी फिलहाल निगेटिव चल रहा है और अभी यहाँ से निफ्टी बैंक जैसे कि आज हमने देखा सपोर्ट से एक बाइंग आ रही है, कल के सेशन में भी अगर सपोर्ट से बाइंग आती है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें निफ्टी बैंक के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो निफ्टी बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स सारे मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी चांसेस है सारा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।